यकीन तमाम देखने और सुनने वालों को जुनेद इकबाल का सलाम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज आप दोस्तों को मैंने एक चीज़ दिखानी थी और वो भी था कद्दू का खेत। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। अभी हम कद्दू के फसल में आए हुए हैं, कद्दू का खेत है ये सारा। कैमरा मैन अगर घुमा के दिखा सके तो ये सारा कद्दू का खेत लगा हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कि हमें अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जी खाने को मिलती है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और साथ में आपको दिखाऊं तो ये सात टमाटर लगे हुए हैं, अभी तो कच्चे हैं टमाटर। तो टमाटर मतलब कुछ दिनों तक पक जाएंगे, तो ये भी अल्लाह की नेमत होती है, मतलब कि अच्छी सब्जी मिलती है हमें। इसको नहर का पानी लगता है, साथ ही नहर है। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये साथ आम का बाग है और साथ ही नहर है। जी भाई, ये सूरज ढल रहा है और मुझे एक अचानक सरायकी का शेर याद आ गया है, तो सुना दे। अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। जी जरूर। सरायकी में शायद आपके व्यूवर को समझ आए सरायकी की, ओ वेला याद कर दीह जो लह वेंदा हा। वो देखें सूरज गरूब हो रहा है। जी जी। ओ वेला याद कर दीह जो लह वेंदा हा, तैकू आहदा हम वन तू ना वेंदा हमें, रख मेरे सिर को अपनी तू झोली दे विच, मैं दे वाले च उंगली फिरेंदा हमें, ते तेले भोले भनन की ते रुस पोंदा हम, कट के गुदनिया हथू तू मनेंदा हमें, तई चहु चौदे देवी चे बोली मारी, तेला गैर च बह के खंगूरा मारो नो खंगूरा न हन मैनु गोली मारी। जीओ। कैसा लगा है आपको मेरा शेर? मुझे तो अच्छा लगा, पत्नी व्यूअर्स को अच्छा लगा, व्यूअर्स को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। सूरज गरूब हो रहा था तो हमने कहा अपनी जबान में एक आपको अशार आपकी नजर करते हैं, और अच्छा लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कद्दू के खेत में बैठे हुए हम दोनों दोस्त, कद्दू के खेत में बैठने का भी अपना पहले दिखाया था कद्दू का खेत, अभी हम जा रहे हैं जैतून सिटी पे, साथ नहर है। नहर का भी व्यू आपको दिखा दे, कैमरा मैन दिखाओ यार इसको, नहर का व्यू देख लो और साथ मतलब काम का बाग है। तो अभी हम जा रहे हैं जैतून सिटी, जैतून सिटी जाते हैं तो उधर जाके फिर मतलब के नेक्स्ट वीडियो उधर बनाते हैं। मैंने दिखाई थी नहर और साथ आम का दरख्त, तो ये मैंने सोचा कि रास्ते में जा रहा था जैतून की सिटी की तरफ तो मैंने देखा कि यार जामुन का दरख्त लगा हुआ था ऊपर, छोटे छोटे जामुन लगे हुए हैं, कच्चे हैं अभी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा सके तो ये ऊपर मतलब ये देखें, साथ जामुन के दरख्त के ऊपर जामुन लगा हुआ है और साथ ही इधर टू व्हीलर भी लगा हुआ है। अभी तो सारा खराब हुआ पड़ा है, पानी है इसमें गंदा है, अगर किसी ने नहाना है तो आ जाओ। कैमरा मैन अगर दिखा सके तो सारा पानी गंदा है, नहाना है तो आ जाओ, ये साथ ही है नहर के बिल्कुल। आपको पहले मैंने दिखाया है जामन का दरख्त और साथ ट्वेल, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं जैतून सिटी। जैतून सिटी आपने इसका एड देखा हो टीवी पे, बहुत मशहूर तरीन जैतून सिटी है ये। अभी साथ तो नहर है, नहर में से तो नहीं गुजरना, आगे पुल रहेगी उससे गुजर के हम जैतून सिटी के अंदर इन होंगे, तो आपको दिखाएंगे जैतून सिटी अंदर से। जरा जूम करके जैतून सिटी का व्यू दिखाना, ये मेन गेट है जैतून सिटी का। तो अभी चले मेरे साथ पुल से गुजर के हम आगे गुजर। आपने कोई प्लाट लेना हो तो इधर आके चुप चुपाते से ले लेना, हमें ना बताना। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और ये जो थोड़ी बहुत सरायकी पंजाबी होती है ना इसको थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें और मतलब वाली बात को भी और ये जुनेद का जो मतलब है ना, ये मतलब भाई मरते दम तक इसके साथ रहेगा, हो सकता है ये मतलब ही इसके मशहूर होने की वजह बन जाए। हाँ जी। तो अभी व्यूवर्स शाम का टाइम हो गया, तो अभी हम मतलब बड़ी मुश्किल से पुल पे पहुंचे हैं, तो हम अभी जा रहे हैं जैतून सिटी में। हमने मतलब मोटरसाइकिल पे सफ़र किया था तो इस दफ़ा अकील भाई ने बोला है कि यार पैदल सफ़र करते हैं। अकील भाई पैदल सफ़र करने का मज़ा होता है कुछ? जी बिल्कुल, एक तो वॉक की वॉक हो जाती है पैदल सफ़र करने से, और दूसरा ये है कि इंजॉय ज़्यादा होता है बनिस्बत मोटरसाइकिल। यार आपको तो इंजॉय मिलना है क्योंकि आप तो सारा दिन शॉप पे बैठे रहते हो, तो मैं सारा दिन पंप पे खड़ा रह रहा है कि मेरी टांगे पहले दर्द कर रही है, आपने फिर क्या पैदल चलो। भाई बात तो क्या है, पैदल चलना वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और कोशिश करनी चाहिए दिन में जितना आप पैदल चल सकते हैं आप चला करें, वर्जिश भी होती है और इससे एंजॉय भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो साथ आपको खजूर के दरख्त भी नजर आ रहे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जैतून सिटी के अंदर, अभी शाम का टाइम भी हो गया तो हम जैतून सिटी के गेट पे इन हो गए, तो मतलब के पैदल चल चल के थक भी गए थे तो बड़ा स्लो चलते आए हैं। अकील भाई ने आज मरवा दिया यार पैदल चलने का, आया है मजा वैसे पैदल चलने का नहीं यार, मेरी सफर किया है हमने कम से कम 3 किलोमीटर हमने पैदल सफर यार, मेरी तो टांगे बहुत दर्द कर रही है कसम से, टांगे रात को नींद बड़ी सुकून से आएगी। ये तो है, फिर सुबह उठने नहीं होना, उठ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है मैंने सुबह 5 बजे उठना होता है,
हाँ मुझे पता है लेकिन नमाज फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ये बात सही कह रहा हूँ यार, असल बंदा लेट हो जाता है ना यार। क्या करो नमाज अच्छी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह उससे बरकत भी आएगी और इंशाल्लाह यार आपको पता है मतलब बंदा तकरीबन 5:30 बजे उठता है क्योंकि 6 बजे ड्यूटी पे आना होता है, तो फिर मतलब नमाज का टाइम भी कज़ा हो जाता है। 10 मिनट पहले उठ जाया करें, लेकिन कोशिश किया करें नमाज पढ़ें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और यहीं पे हम आज की वीडियो का एंड करेंगे और मैं सब देखने वालों को कहूंगा प्लीज आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी वीडियो, एंजॉय करना है व्लॉग को और जुनैद को सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों से भी कहना है कि यार इसको सपोर्ट करें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये भी एक बड़ा यूट्यूबर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।